हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक सिंपल पैंट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस पैंट को कट करने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हैवी हैं तो आप 2 या 2.5 मीटर ले लीजिए, उसमें बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कॉटन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, जिसमें से मैं कुर्ती और पैंट दोनों बनाने वाली हूँ। तो मैंने ऐसे बिछा लिया इसको, और मेजरमेंट्स मैंने फुल लेंथ ली है पैंट की 33 इंचेस, वेस्ट यानी कमर है 34 इंचेस, हिप है 38 इंचेस, थाई है इसमें 23 इंचेस, नी यानी कि घुटना है 14.5 इंचेस, और बॉटम जो कि पैंट की मोहरी होगी वो है 11.5 इंचेस। तो पहले तो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हिप का जो मेजरमेंट है उसका हम फोर्थ करेंगे, यानी चौथाई भाग करेंगे। तो चौथाई भाग हुआ 38 इंचेस का 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस प्लस मैं उसमें 2.5 इंचेस और ऐड करूँगी फ्रंट पार्ट कट करने के लिए। तो ये हो गया 12 इंचेस। 12 इंचेस पर कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि हमें डबल फोल्ड मिले। तो डबल फोल्ड करने के बाद हम ऊपर की तरफ से जो खुला है उस तरफ से 1.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ, और दोनों तरफ 1.5 इंचेस का ऐसे मार्क लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे। और फिर स्केल की हेल्प से इन दोनों जो निशान हैं उनको एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करके जॉइंट कर लेंगे। फिर हमने जो लाइन अभी ड्रॉ की है उसी से नीचे की तरफ जो पैंट की लंबाई है उसका निशान लगाएंगे। तो पैंट की लंबाई थी 33 इंचेस, तो 33 इंचेस पर दोनों तरफ से मैं निशान लगा लूँगी। और निशान लगाने के बाद मैं इसे ऊपर की ही तरह नीचे वाली लाइन, नीचे के जो दोनों निशान हैं उनको भी जॉइंट करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी स्केल की हेल्प से। तो नीचे की लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम ऊपर की तरफ आसन का यानी कि क्रॉच का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच के निशान के लिए मैंने हिप का फोर्थ किया है, यानी हिप का चौथाई भाग किया, और फिर उसमें 1.5 इंच और प्लस कर दिया। अगर आप ये बहुत ज़्यादा हैवी इंसान का बना रहे हैं तो आप इसमें 2 या 2.5 इंचेस भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तरफ निशान लगाने के बाद मैं इन दोनों निशानों को जॉइंट कर लूँगी। और फिर हम वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे, यानी कि कमर जो कि है 34 इंचेस। तो अब हम यहाँ पर जो है 34 इंचेस यानी वेस्ट, उसका फोर्थ करेंगे यानी कि चौथाई भाग। तो 34 इंचेस का जब हमने चौथाई भाग किया तो वो आया 8.25 इंचेस। तो 8.25 इंचेस का हम इस लाइन पर ऐसे मार्क लगा लेंगे, और 8.25 इंचेस पर मार्क लगाने के बाद 1.5 इंच और एक और निशान लगाएंगे उसी से आगे, उसी लाइन पे 8.25 इंचेस के बाद 1.5 इंचेस का एक और निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम ऊपर वाली लाइन पे भी पहले 8.25 इंचेस का मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद 1.5 इंचेस का, और इन दोनों जो निशान हैं इनको एक स्केल की हेल्प से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जॉइंट करते हुए। फिर 1.5 इंचेस जो नीचे वाली लाइन है उस पर 1.5 इंचेस का एक और मार्क लगाएंगे ऐसे आसन के लिए। फिर जो हमने ये निशान लगाया हम इसको मेजर करेंगे कि ये पूरा कितना आ रहा है। तो इन माय केस ये आया 12 इंचेस। तो 12 इंचेस का अब हम हाफ करेंगे तो ये हुआ 6 इंचेस। 6 इंचेस पर मैं निशान लगा लूँगी ऊपर वाली लाइन पे भी, बीच वाली लाइन पे भी, और जो नीचे की बॉटम लाइन है उस पर भी। निशान लगाने के बाद इन तीनों निशानों को एक स्केल की हेल्प से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए जॉइंट कर लेंगे। और फिर ऊपर से यानी कमर से नीचे की तरफ हम अपने घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटना आप अपने अकॉर्डिंगली मेजर करके निशान लगा लीजिएगा। मेरे में ये 18 इंचेस था तो मैंने 18 इंचेस पर निशान लगा लिया। अब घुटना था 14.5 इंचेस, तो 14.5 इंचेस का मैंने चौथाई भाग किया तो यह आया 3.5, और लाइन के दोनों तरफ घुटने वाले पॉइंट पे ही मैं 3.5 इंचेस और 3.5 इंचेस का निशान लगा लूँगी दोनों तरफ लाइन के।
सेम इसी तरीके से बॉटम था 11.5 इंचेस, तो 11.5 इंचेस का मैंने फोर्थ किया, चौथाई भाग किया, तो ये आया 2.25 इंचेस। तो घुटने की ही तरह मैं बॉटम पे भी लाइन के दोनों तरफ 2.25 इंचेस का निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद मैं इन सभी निशानों को एक स्केल की हेल्प से ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लूँगी। और फिर मैंने ये कर्व स्केल लिया है और कर्व स्केल को ऐसे आसन पे ऐसे प्लेस करते हुए आसन से नीचे बॉटम के पॉइंट को मिलाते हुए हम ऐसे रख लेंगे और सीधी लाइन, मतलब सीधी नहीं, ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ निशान के लिए मैंने 1 इंच नीचे निशान लगाया है और कर्व स्केल को जैसे हमने पहले रखा था उसी को पलटते हुए दूसरी तरफ ऐसे रखते हुए हम सारे पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए निशान लगा लेंगे। अब ऊपर की तरफ मैंने 1/2 इंचेस अंदर निशान लगाया और कर्व स्केल को वापस से पलट लिया और ऐसे निशान जॉइंट करते हुए निशान लगा लेंगे। अब ऊपर की तरफ जो हमने लाइन ड्रॉ की थी हम उस पर डार्ट का निशान लगाएंगे, तो मैंने ये 4.5 इंचेस पर निशान लगाया और लाइन के दोनों तरफ 1/2 इंचेस रखते हुए ऐसे सीधा करते हुए जोड़ लिया। डार्ट का निशान लग जाने के बाद अब ये आसन का निशान लगाएंगे हम। सिंपली ऐसे आप कर्व दे दीजिए और फिर इसको कट कर लीजिए। अब बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा लिया और मैं दोनों तरफ 2.5 इंचेस पर निशान लगा लूँगी। दोनों तरफ 2.5 इंचेस पर निशान लगाने के बाद स्केल की हेल्प से ऐसे मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और फिर इस लाइन पर जो हमारा फ्रंट पार्ट हमने कट किया था उसको मैं ऐसे लाइन को मिलाते हुए प्लेस कर लूँगी। प्लेस करने के बाद अब जो हमारी हिप लाइन है, जो नी लाइन है और जो बॉटम लाइन है, मैं इन तीनों को सीधा कर लूँगी। फ्रंट पार्ट प्लेस करने के बाद जो उसका आसन है हम उसी की लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से और उसी लाइन के आगे मैं 2 इंचेस पर आसन का मार्क लगाऊंगी बैक पार्ट के लिए। निशान लगाने के बाद हम इसे ऐसे कर्व देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर तक और नीचे की तरफ मैं 1.5 इंचेस का निशान लगाऊंगी और कर्व स्केल की हेल्प से इन दोनों निशानों को मिला लूंगी। साइड की तरफ से भी हम सारे जो लाइन्स हैं उनको ट्रेस कर लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट को हटा लीजिए। फिर इसके बाद ऊपर कमर की तरफ से ऊपर की तरफ से जो हमने लाइन खींची थी हम उसको ऐसे तिरछा मिलाते हुए पूरे इस पार्ट को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया बैक पार्ट और अब ये हो गया फ्रंट पार्ट। तो हम पहले तो फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे और अब मैं नीचे की जो मोरी है वो बनाने के लिए मैं पहले ऐसे स्ट्रिप कट करूंगी। तो मैंने ये 4 इंचेस की स्ट्रिप ली है और इसको ऐसे सीधा कर लिया। फिर मैं ये जो बैक पार्ट है इसकी जो बॉटम है, जो मोरी है, उसको मेजर करूंगी। तो ये आई 8.5 इंचेस जो कि 2 फोल्ड में है। फिर उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट की मोरी को भी मेजर करूंगी। तो बैक पार्ट की थी 8.5 इंचेस प्लस ये हुई 6.5 इंचेस तो ये हो गई 15 इंचेस। तो 15 इंचेस पर मार्क लगा के मैं इसे कट कर लूंगी। हमें ऐसे ही 2 स्ट्रिप कट करनी है। तो ये मैंने एक कट कर ली है, ऐसे ही मैं एक और कट करूंगी नीचे की मोरी के लिए। तो ये फैब्रिक बचा हुआ था, मैं इसी में से एक और पीस ऐसे फैब्रिक का कट करूंगी मोरी बनाने के लिए। आपको जितनी चौड़ी मोरी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे अलग से मोरी नहीं बनानी, सिर्फ नीचे फोल्ड करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कट करें। जब आप ये जो फ्रंट और बैक पार्ट कट करेंगे आप उसी में नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लीजिए जितना आपको फोल्ड करना है। पैंट की कटिंग हो जाने के बाद ये सारे पीसेस कुछ इस तरीके से दिखेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में बनाई है, आप पार्ट वन देख चुके हैं जो कि है पैंट की कटिंग का। पार्ट टू मैं दो दिन बाद अपलोड करूँगी जो कि पैंट की स्टिचिंग का है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे दबाना ना भूलें। अगर आपकी चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी आगे की वीडियो देखने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।